वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पाकिस्तान ने इंतहाई दिलचस्प मुकाबले के बाद इंग्लैंड को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप चैंपियन का एजाज अपने नाम किया। इमरान खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, मगर इंग्लैंड के बॉलरों डेरिक प्रिंगल और क्रिस लुइस ने ओपनिंग बैट्समैनों आमिर सुहेल और रमीज राजा को जमकर न खेलने दिया। पहले आमिर सुहेल 4 रन बनाकर और फिर रमीज राजा 8 के स्कोर पर आउट हुए। इन दोनों को डेरिक प्रिंगल ने आउट किया। कप्तान इमरान खान और जावेद मियांदाद की रफाकत 9वें ओवर से शुरू होकर 40वें ओवर तक जारी रही और दोनों ने गैर जज्बाती अंदाज में दानिशमंदी के साथ बैटिंग करके पाकिस्तान को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाला। इन दोनों की रफाकत में 139 रन बने। जावेद मियांदाद ने वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबलों में सबसे पहले 1000 रन बनाने का एजाज भी हासिल किया। उन्होंने 98 गेंदों पर 58 रन बनाए। उन्हें इलिंगवर्थ ने आउट किया। जावेद मियांदाद के बाद इंजमामुल हक खेलने आए तो चौथी विकेट की रफाकत में 35 रन का इजाफा हुआ था कि इमरान खान 72 रन बनाकर इयान बोथम की बॉल पर आउट हो गए। इमरान खान की जगह वसीम अकरम आए तो इंजमाम की रफ्तार जरा सुस्त हो गई, मगर दूसरे एंड पर वसीम अकरम ने खेल की रफ्तार तेज कर दी। खेल खत्म होने में 2 गेंदें बाकी थी कि इंजमामुल हक को डेरिक प्रिंगल ने बोल्ड कर दिया। इंजमामुल हक ने 35 गेंदों में 42 रन बनाए, जबकि वसीम अकरम ने 18 गेंदों पर 33 रन बनाए। आखिरी गेंद खेलने के लिए सलीम मलिक आए, इस गेंद पर कोई रन नहीं बन सका। इंग्लैंड की तरफ से कामयाब तरीन बॉलर डेरिक प्रिंगल रहे, जिन्होंने 22 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की तरह इंग्लैंड की इनिंग्स का आगाज भी अच्छा नहीं था। ग्राहम कूच और ग्राहम हिक ने कुछ संभाला दिया, लेकिन उनकी कोशिश सूरत हाल के एतबार से नाकाफी थी। मुश्ताक अहमद की आमद के बाद वो जमकर न खेल सके। उन्होंने ऊपर तले 2 ओवरों में पहले हिक और फिर कूच को आउट कर दिया। इंग्लैंड की टीम पर खास तौर पर गूज के आउट होने से दबाव शदीद हो गया था, लेकिन इसके बावजूद 5वीं विकेट की शराकत में नील फेयरब्रदर और अरन लैम के दरमियान कामयाब शराकत रही। दोनों स्कोर को 141 तक ले गए। 34 ओवरों के अख्तितम पर इमरान खान ने वसीम अकरम को दोबारा बॉलिंग देने का फैसला किया। इस मरतबा उन्होंने अपने पहले ही ओवर में लैम और लुइस को बोल्ड कर दिया। इस मोड़ से खेल का रुख पाकिस्तान की फतह की जानिब हो चुका था। इंग्लैंड की पूरी टीम 49.2 ओवर में 227 रन पर आउट हो गई। इमरान खान की गेंद पर रमीज राजा ने इलिंगवर्थ का कैच पकड़ा तो पाकिस्तान इंग्लैंड को 22 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप का फातह बन चुका था। स्टेडियम में मौजूद हजारों शायकीन ने फतह के लम्हात पर खुशी का इजहार किया और करोड़ों लोगों ने अपने घरों में बैठकर टीवी की स्क्रीन पर इस मैच को देखा।